फाइनली आप लोगों का रियल पेपर मिल गया है। तो इस वीडियो में बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और ये वीडियो रात को 4 बजे अपलोड हो जाएगी, और अभी थोड़ा बजे हैं 3:30 या 3 बजे हैं आई थिंक। तो ये वीडियो भी बना रहे हैं और आपको करना क्या है, देखो इसके आंसर ढूंढते तो क्या पता 5 से 6 बज जाते, फिर आपके पास 1 ही घंटा रहना था पढ़ने के लिए, तो फिर आप क्या ही पढ़ लेते। ओके, तो अभी क्या करना है, इन आंसरों इन क्वेश्चनों को आपको टेलीग्राम पर जाना है, पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं, पीडीएफ तो मैं जैसे जागूंगा नहीं इतने टाइम, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लो और फिर डायरेक्ट गूगल पर सर्च करो, इन्हें एक बार पढ़ के बस चले जाओ, रटना नहीं है, पढ़ के बस चले जाओ। पेपर में यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ओके, 110% यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ओके। एंड हाँ, तो चलिए देख लेते हैं, हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं। एक ये कर लेना, GIS एंड GPS, व्हाट इज GIS एंड GPS। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, भौतिक भूगोल की कोई 2 शाखाओं के नाम लिखकर वर्णन करना है। फिर एक क्वेश्चन आप लोग कर लेना, कोहरा और कुहासा में क्या अंतर है। और एक क्वेश्चन ये कर लेना, तापमान में व्युत्क्रमण को समझाइए। ओके, यही क्वेश्चन आपके दो दो नंबर में पूछने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराओं का वर्णन कीजिए। अभी आपके पास टाइम कितना है, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 6 से 7, ठीक है। फिर 7:30 पे या 8 बजे तक आपको सेंटर पहुंचना पड़ेगा, ओके, या फिर अपने स्कूल पहुंचना पड़ेगा। तो आपके पास 3 घंटे यार, 3 घंटे में आप एटलीस्ट 4 बजे वीडियो डाल लीजिए। 4 बजे से आप मान लो 5 बजे वीडियो देख रहे हो तो भी आपके पास 2 घंटे हैं, तो आप लोग आराम से 1 घंटे में भी इन क्वेश्चंस के आंसर गूगल पर आराम से पढ़ सकते हो। बस आपको करना क्या है, गूगल पर जाना है, बोलना है दुर्लभ प्रजातियों से क्या आशा है, जो पहले 4-5 लाइनों के आंसर आ रहा है बस उन्हें पढ़ लेना है, ओके। हाँ तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैव विविधता से क्या अभिप्राय है, ठीक है। यही क्वेश्चन आने वाले हैं, बस माइंड से कुछ सब कुछ निकाल दो कि ये वो जितने क्वेश्चन आपने पढ़े हैं अभी तक, मतलब जब से पेपर के लिए तैयारी की है, वो क्वेश्चन कर लेना। और इन क्वेश्चंस को तो 110% करके ही जाओ, ठीक है। कोई भी सेट आए फंसेगा, ठीक है। अगर नहीं फंसेगा तो फिर तो आप लोग चलो विश्वास तो कर सकते हो ना, अभी तक विश्वास है सभी क्वेश्चन फंसे, ऐसा एक भी पेपर हुआ जिनका नहीं फंसा, आप कमेंट्स देख सकते हो पुराने। ओके, जैव विविधता से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के नाम लिखिए। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ओके। नेक्स्ट है, डेल्टा किसे कहते हैं, ये तो आप पे बनता ही होगा, है ना। अपवाह से आप क्या समझते हैं, ये भी बनता होगा। संस्तर किसे कहते हैं, ये भी नहीं बनता होगा, इसे थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आ जाता है, प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं, ये तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा के प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए, ये तो बनता ही होगा, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है, वायुमंडल के संघट को समझाइए, इसे अच्छे से पढ़ लेना, ओके। जल संभर और नदी द्रोणी के अंतर को स्पष्ट कीजिए, रिफ्ट खाड़ी और डेल्टा में क्या अंतर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र का सजीव वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर की ठंडी धाराओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधी विग वेग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बस यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 19 है, सेल किसे कहते हैं, प्रकार की उदाहरण सह उदाहरण व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट है, नदी अपरदन व निक्षेपण में निर्मित स्थानाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, भारत के सीमा अनुसार मानचित्र निम्नलिखित प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। मानचित्र प्रदर्शित करना है और ये मानचित्र है आपके, पढ़ के जाना, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ओके, और महानदी अन्नामलाई, ठीक है। ये जल्दी से पढ़ के चले जाओ, आपके पास 2-3 घंटे आराम से यही पढ़ के चले जाओ, एटलीस्ट आपके 50 के ऊपर नंबर आ जाएंगे, 60-50 के ऊपर नंबर आ ही जाएंगे, और क्या पता 70 आ जाए, 70 के ऊपर ही आ जाए, ओके। तो आई थिंक ये वाली वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। बस यहाँ पर हमारी पीडीएफ खत्म हुई और ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक वगैरह सब्सक्राइब कर देना और अभी जल्दी से जितना हो सके शेयर कर दो, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो, सभी ग्रुप्स में शेयर कर दो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।